नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, निर्दोष टेक ऑन को एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, 2022 राज्यसभा में हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया जी ने ये अनाउंस किया था कि 2022 में कैंसर डेथ रेशियो करीब 8,08,000 है। जी हाँ दोस्तों, हर साल ये 8 लाख जाने कैंसर की वजह से जाती है। दोस्तों, अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी को थोड़ा सा कंट्रोल करें। दोस्तों, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्स अपना काम कर रही हैं, पर हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीमारी को खत्म करें, कंट्रोल करें। फ्रेंड्स, 2021 में यह आंकड़ा 7,80,000 था, 2022 में अब ये बढ़ करके 8,08,000 हो गया है। बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों ये, कि कैंसर इतनी तेजी से हमारे समाज में, हमारे देश में अपने पांव पसारता जा रहा है और हम और आप अभी भी कैंसर को लेके अज्ञान हैं। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ कैंसर के कुछ ऐसे तथ्यों को छुओ जिससे कि आप अवेयर हो सकें और इस भयानक बीमारी से बच सकें। मैं यहां पर कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। क्या होते हैं वो शुरुआती लक्षण? अगर कहा जाए सर्दी खांसी जुकाम या फिर कोई गांठ का हो जाना, दोस्तों ये काफी नहीं है। हम आज जानेंगे साइट वाइज कि कौन सी जगह के कैंसर में क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि शायद मैं कैंसर की चपेट में आ रहा हूं धीरे धीरे? दोस्तों, यदि हम आज ब्रेन, दिमाग के कैंसर की बात करें तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? इसमें दोस्तों दिखाई देना बंद हो जाता है, या कभी कभी दोहरा दिखाई देता है, या चक्कर आते हैं, या एकदम से झटके आना शुरू हो जाता है, या बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है, सर में दर्द बना रहता है, या दर्द रुक रुक के होता है, उल्टियां आती हैं। दोस्तों, ये ब्रेन के कैंसर के लक्षण होते हैं। ब्रेन से अगर थोड़ा नीचे आए गले और छाती के बीच में, यहां पर आपको हो सकता है मुंह के अंदर चकत्ते से हो, व्हाइट कलर के वो बड़े होते जा रहे हों, या जुबान या मुंह के अंदर अंदर के गालों की तरफ आपके लाल लाल रैशेज हो रहे हों, या खाना खाते वक्त आपके मुंह से खून आता हो, या आपको निगलने में, खाना निगलने में दिक्कत होती हो, आपको पानी पीने में दिक्कत होती हो, ब्रश करते हो तो दांतों से खून आता हो। दोस्तों, ये मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गले से नीचे अपने छाती की तरफ आते हैं। छाती के कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? बहुत ही कॉमन है सांस का फूलना, हमें सांस सही से नहीं आती, खाने को निगलने में दिक्कत होना, हमें बार बार थकान का महसूस होना, छाती में कोई गांठ हो जाना, गांठ होने के बाद वो निरंतर बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। दोस्तों, ये छाती के कैंसर के लक्षण होते हैं। दोस्तों, छाती के नीचे पेल्विस एब्डोमिन में क्या लक्षण आते हैं? यूरिन का रुक रुक के होना, या यूरिन के साथ ब्लड आना, या यूरिन या पेशाब पास करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द का महसूस होना, या निचले हिस्से में लगातार दर्द का बना होना, या रीढ़ की हड्डी में दर्द का महसूस होना, या पॉटी करते वक्त या स्टूल पास करते वक्त उसमें फ्रेश ब्लड आना। दोस्तों, यदि ऐसा कोई लक्षण आता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कॉमन लक्षण हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, जो हम डिफ्रेंशिएट या बांट नहीं पाते हैं कि हमारी साधारण बीमारी और कैंसर में क्या अंतर होता है। मैं आपको एक यहां पर बहुत ही स्पष्ट अंतर बता देता हूं। यदि आपकी बीमारी, चाहे वो ब्रेन की हो, गले की हो, छाती की हो, एब्डोमेन पेल्विस की हो, यदि ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है और वो 10 दिन से ऊपर बना हुआ है और वो ठीक नहीं होता है, या ठीक हो जाता है फिर वापस आ जाता है, शरीर में गांठें बन जाती हैं, गांठों में परिवर्तन आ रहा है, आप दवाई ले लेते हैं डॉक्टर से परामर्श लेकर के, फिर वो वैसी स्थिति में गांठें पहुंच जाती हैं, या उससे बड़ी हो जाती हैं, या छाले बड़े हो जाते हैं, या मुंह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो दोस्तों ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और ये अगर 10 दिन से ऊपर जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं,
तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि साधारण बीमारी में लक्षण आने के 10 दिन बाद बीमारी या उससे पहले बीमारी ठीक हो जाती है। कैंसर की स्थिति में ऐसा हो पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उसके लिए विशेष इलाज चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं इतने छोटे से समय में आपको मोटी मोटी बातें बता दूं कि आप जान सके कि नॉर्मल सिम्टम्स में और कैंसर के सिम्टम्स में क्या फर्क होता है। आप 10 दिन नोट कर लीजिए, 10 दिन से ऊपर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप अति शीघ्र बहुत ही जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें। आपकी जिंदगी बहुत ही बहुमूल्य है, आप और हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद की भी मदद करें और अपने समाज की भी मदद करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। नमस्ते, जय हिंद।